गुजरात की मिट्टी से आने वाले देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के लोकसभा चुनाव में काफी जोशीले दिखाई दिए। तीसरे चरण के मतदान के बाद पीएम मोदी का विपक्ष को लेकर काफी आक्रामक तेवर देखने को मिला। विपक्ष में खड़े इंडिया गठबंधन को घेरने के लिए उन्होंने चुनावी रैलियों और जनसभाओं में कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जिन पर विपक्ष के नेताओं ने जमकर विरोध किया। आइए तो अब जानते हैं कि पीएम मोदी के दिए ये बयान कौन से हैं जिन पर विपक्ष ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने लालू यादव से मटन बनाने की रेसिपी सीखी, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी भी किया था। इसी वीडियो को लेकर पीएम ने जम्मू और कश्मीर में चुनावी रैली करते हुए उन्हें घेरा और कहा, कोर्ट ने जिसे सजा दी है और जो जमानत पर बाहर है, ऐसे मुजरिम के घर जाकर सावन जैसे पावन दिनों में मटन बना रहे और मौज ले रहे हैं। साथ ही उसका वीडियो बनाकर देश के लोगों को चिढ़ाने का काम भी करते हैं। सिर्फ राहुल गांधी या लालू प्रसाद यादव नहीं, बल्कि पीएम ने लालू यादव के छोटे बेटे को भी नहीं छोड़ा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के मछली खाने और उसके वीडियो बनाने पर भी निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में जनसभा के दौरान उन्होंने कहा, नवरात्रि में नॉनवेज खाना आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा कर देश के लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं, किसे खुश करने का खेल कर रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे इस बयान के बाद विपक्ष के सारे नेता मेरे ऊपर गालियों की बौछार कर देंगे और मेरे पीछे पड़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में रैली करते हुए मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए दोनों के लिए मुगल शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। यूपी के सहारनपुर में बीजेपी की विशाल जनसभा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम लीग पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उस समय इस पार्टी के साथ महात्मा गांधी जैसे कई दिग्गजों के नाम जुड़े थे। आज पूरा देश एक लय में कह रहा है कि आजादी के लिए लड़ने वाली कांग्रेस दशकों पहले खत्म हो गई है। अब जो कांग्रेस बची है, उसके पास न देश के लिए नीतियां हैं और न ही राष्ट्रीय निर्माण का विजन। आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा होगा, उसे साबित हो गया कि कांग्रेस भारत की आकांक्षाओं से कट चुकी है। इनके मैनिफेस्टो में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के खिलाफ अपने आक्रामक बयानों को जारी रखते हुए बीजेपी के लोकसभा सांसद ने राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक और गंभीर है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे ये भी कहा कि बहनों का जो गोल्ड और बाकी संपत्तियां हैं वो सबको बराबर रूप से बांट दी जाएगी। इन सब बयानबाजियों के अलावा बिहार के पाटलिपुत्र में पीएम मोदी ने जनसभा करते हुए कहा था, इंडिया अलायंस को वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उन्हें वहां जाकर मुजरा करना है तो करें, पर एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण के साथ डट कर खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। चुनावी दौर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन सारे बयानों पर विपक्ष काफी गरमाया नजर आया। उन्होंने न सिर्फ बवाल मचाया बल्कि सवाल भी उठाया कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ ये सभी दिखता है क्या। वहीं बिहार के बक्सर में तेजस्वी यादव ने पूछा कि पीएम महंगाई पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं, और कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया की बात क्यों नहीं करते हैं।